यहाँ पे श्रीनगर की सीमा समाप्त और साथ साथ अच्छा रोड भी समाप्त। वो सामने हर की पौड़ी डे सेकेंड और बाइक पे सामान बांध दिया है और किस्मत जो अच्छी किस्मत बोल लो चाहे बुरी बारिश हो गई है बाहर और ये रही राइडिंग जैकेट ये रही। और ये रहा हेलमेट और नी गार्ड और अब राइट नाउ इट्स अराउंड 8 o'clock और हम लोगों को लग जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 180 kilometers है तो 5 से 6 घंटा पहुँचने में और बारिश है तो और स्लो चलाना पड़ेगा तो अराउंड हम 3 बजे के आसपास हम लोग गुप्तकाशी या फिर सोनप्रयाग पहुंचने वाले हैं बट रास्ते में जो देवप्रयाग का मिलन है एकदम जैकेट पहनता हूँ नी गार्ड्स पहनता हूँ देन मिलता हूँ ठीक है चलो। अभी बाइक से दिखाया अब मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ मेरे पीछे है देवप्रयाग जहाँ पे संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी का देन उसके बाद उसका नाम पढ़ा जाता है गंगा और वो बीच में टेंपल है रघुराम टेंपल वहाँ पे भी जा नहीं रहे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है ये इधर से एक तरफ से ब्लू और एक तरफ से ग्रे मतलब डार्क मैला पानी आ रहा है दोनों मर्ज हो रहे हैं देन गंगा निकल रही है यहाँ से तब वो आगे जाती है और जगहों पर यहाँ के पास उसका नाम पढ़ा जाता है और मैं थोड़ा सा फोटोशूट कर लेता हूँ अगर वो फोटोज़ देखने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ये मेरा इंस्टाग्राम है ठीक है और उसके बाद अब बाइक पे दोबारा बैठ के मिलते हैं चलो। यहाँ पे श्रीनगर की सीमा समाप्त और साथ साथ अच्छा रोड भी समाप्त अब है ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग वन ऑफ माई फेवरेट अगर मेरे से पिलियन ना हो ना मैं पूरे रास्ते खड़े होकर जाऊँ दोनों की सामान मेरा अच्छे से बंधा हुआ है बट स्टिल गड्ढे इतने हैं कि मुझे डर है कोई बंजी इधर उधर ना हो जाए और इट्स लाइक प्रॉपर ऑफ रोड वाला चलो फाइनली उस रोड को आया हाँ बहुत अच्छी कंडीशन में तो नहीं है अभी रोड सारा ऐसे ही मिलने वाला मुझे ऐसा लग रहा क्योंकि मैंने कुछ लोगों से पूछा भी था तो उन्होंने बोला था कंस्ट्रक्शन हो रही है तो कंस्ट्रक्शन तो मुझे नहीं दिखी तो मुझे लग रहा है इसको ही कंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि शायद आगे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही होगी रोड का ये हाल है। ये है धारी देवी का टेम्पल जो कि बिल्कुल नदी के बीच में है देखो बिल्कुल ही बीच में है कहा जाता है जब इस मंदिर के साथ छेड़खाड़ हुई थी कि इसको शिफ्ट करते हैं तब केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी तो उसके बाद से इसको छेड़ा ही नहीं गया तो अभी ये मंदिर बिल्कुल वहाँ स्थापित है अपनी जगह पे है बिल्कुल परफेक्ट है और आ भी नहीं जा पा रहे हैं आते टाइम हम लोग इस मंदिर पर जरूर जाएंगे उसको विजिट करेंगे तो अभी रोड देखो कितना प्यारा बन चुका है मतलब प्रॉपर नया रोड है बिल्कुल तो अभी चलते हैं वापस से अपने गोप्रो पर सेट करते हैं चलो। तो यहाँ लग रहा है जाम और बाइक का उठाया जा रहा है फायदा
अप्रॉक्सीमेटली 900 मीटर मैं कवर कर चुका हूँ, चलता ही जा रहा हूँ जब तक कोई रोक ना दे मेरे को। सॉरी, ये देखो लंबी लाइन है, ये सब केदारनाथ यात्रा वाले हैं। देखियो कोई आ रहा है, चलो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट हो रही है बट मेरे लिए गुड मॉर्निंग है। क्यों? हम यहाँ पे पहुँच गए थे अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे के आसपास, 3 या 4 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। रुकते रुकाते आराम से हम 5-5.5 घंटे में यहाँ पे पहुँच गए थे। देन उसके बाद क्या हुआ, हमने होटल लिया और सो गए और अभी उठे हैं जस्ट, डिनर करके आए हैं जस्ट। और हुआ ये था, यहाँ का रूम हमें मिला था एक्सपेंसिव थोड़ा सा, यहाँ का रूम हमें पड़ा था अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये। और अभी जस्ट पैकिंग करी है सुबह के लिए, क्योंकि हमने पता किया है कि ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, होने वाली है, और ऊपर के स्टे का कुछ पता नहीं लग रहा है, तो अपन ले रहे हैं रिस्क बहुत तगड़ा। वो आगे आपको पता लगेगा कि रिस्क का रिस्क हमारा सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है कल हमारे साथ। बट स्टिल हम लोग रात को यहाँ से 3 बजे निकल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए, जिससे जो कि है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर, 1 घंटे का रास्ता लगा लो। और उसके बाद हम लोग 4:30 बजे टैक्सी चल जाती है गौरीकुंड के लिए, देन हम लोग 5 बजे के आसपास ट्रैक स्टार्ट करने वाले अपना। और मैं आपको दिखाता हूँ हम जो लगेज लेके आए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कितना लेके आए थे और अब मैं क्या लेके जा रहा हूँ ऊपर। वेट, ये लगेज हम लोग लेके आए थे, ये वाला पूरा बड़ा बैग, और लेके जा रहा हूँ मैं सिर्फ ये एक छोटा सा बैग, इसके अंदर ही सब कुछ है। एक ये जाएगा, एक हेलमेट जाएगा, और एक बाइक जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं जाएगा। तो अभी बज गया ऑलमोस्ट 11:30, तो अभी सोते हैं क्योंकि मैक्सिमम 3 घंटे की नींद तो लेनी बनती है, 3 या 4 घंटे की। तो अभी सोते हैं और सीधा 3 बजे उठ के ऐसे निकलना भी है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो दिस इज डे 2nd अभी तक के लिए, और अब मिलते हैं सुबह की 4 बजे। बाय।